रोडवेज बस स्टैंड पर एक साथ चार महिला रे गला में पहनी हुई सोनारी चैन ने तीन अज्ञात महिला तोड़ ली। पहाड़ी माते बारिशों गीली हुई दीवार गिरबा से एक मजदूरी मौत हुएगी। महिला की तरफ से दो लोगा रे खिलाफ खेत में घुसकर पति रे साथे मारपीट करवा रे मामला पर केस दर्ज करवाया गयो। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आप दोस्त दीपक, आप देख रहे हो झलको चुरू। हाजिर हूं मैं आप रे बी चुरू री ताजा तरीन खबर रे साथ है। सबसे पहली खबर है रतनगढ़ थाना क्षेत्र री, जठे काले शाम रोडवेज बस स्टैंड पर एक साथ चार महिला रे गला में पहनी हुई सोनारी चैन ने तीन अज्ञात महिला तोड़ ली। पीड़ित महिला जद शोर मचावा लागी तब मौका पर लोगा री भीड़ भेड़ी होगी। पचे चैन तोड़वा वाली दो महिला ने हाथों हाथ पकड़ ली पर उनमें एक महिला भाग निकली। सूचना मिलता ही पुलिस मौका माते पहुंची और पूरी घटना की जानकारी लेन दोनों आरोपी महिला ने हिरासत में लेकर थाना पहुंची, जटे पूछताछ में वे अपने आप ने सिकरी रेन वाली बता रही है। बाकी हाल फिलहाल पुलिस से कार्रवाई जारी है। वटे ही रतनगढ़ में बीरमसर पहाड़ी माते बारिशों गीली हुई दीवार गिरबा से एक मजदूरी मौत हुएगी और एक घायल होगो। पुलिस सूचना मिलता ही घटना स्थल पर पहुंच जानकारी ली। सीआई दिलीप सिंह बताया कि पहाड़ी पर पत्थर तोड़वा के लिए दीवार बनाई हुई थी। जठे घुमंडा निवासी 32 साल रो शेराराम नायक नाम रो व्यक्ति पत्थर तोड़वा री मशीन ने शुरू कर रियो हो। मशीन रे कंपन से सीलन आई और दीवार नीचे ढहगी, जिन्हें नीचे गिरबा से शेराराम घायल हो गयो। उन्हें हाथों हाथ फतेहपुर अस्पताल में भर्ती करवायो, जठे वो दम तोड़ दियो। शव ने मोर्चरी में रखवायो और परिजन री तरफ से रिपोर्ट मिलवा रे बाद आगे री कार्यवाही की जावेला। आज सदार शहर रा भानीपुरा पुलिस थाना में एक महिला री तरफ से दो लोगा रे खिलाफ खेत में घुसकर पति रे साथे मारपीट करवा रे मामला पर केस दर्ज करवाया गयो। थाना अधिकारी राय सिंह सुथार बताया कि बोगेरा निवासी महिला रो कहना है कि पिछला हफ्ता जद वा बिहर गई हुई थी, उन्हें बाद 10 जुलाई री दोपहर में महिला रा पति बलबीर सिंह खेत में बुवाई करवा गया हुआ था। तभी नरेंद्र सिंह पुत्र फतेह सिंह और बलबीर सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह खेत में नाजायज तरीका से घुसकर पति ने जान से मारवा रे इरादा से मारपीट की, जिनसे महिला रे पति रे माथा पर और कई जगह पर चोट आई। साथ ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गयो। मौका पर लोग पहुंचा और सरदार शहर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया पर गंभीर हालत री वजह से हाथों हाथ बीकानेर रेफर करनो पड़ियो। इलाज में लागोड़ा हा इन वास्ते मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका। बाकी अबे पुलिस मामला दर्ज करके जांच शुरू कर चुकी है। धन्यवाद। तो फिलहाल तो ये थी कुछ खास खबर चूरू पे। यूं ही प्यार और विश्वास बनाए रख जाओ।